हेलो इंजीनियर साहब, सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग शूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी, जहां सिविल इंजीनियर करियर की बात होती है, सिविल इंजीनियर अपने करियर को कैसे इन्हेंस कर सकता है। तो आज देखिए हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर का सर्वे क्लासेस चल रहा है, यहाँ देखिए साइड पर आए हुए। आज इन लोगों का सर्वे का फर्स्ट क्लास था। आज सर्वे के फर्स्ट क्लास में सीखें कि ऑटो लेवल को चंद सेकंड में कैसे सेट करते हैं और स्टाफ रीडिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको भी ऑटो लेवल सेट करने में परेशानी हो रहा है, अगर कॉलेज आने में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको ऑटो लेवल आप 10 मिनट में 15 मिनट में सेट कर रहे हैं, तो वो चंद सेकंड में सीखिएगा ऑटो लेवल को सेट कैसे करते हैं। तो आइए अपने ट्रेनिंग से जानते हैं ऑटो लेवल सेट करने का सही प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए हमारे जैसे यहाँ ट्रेनिंग इंजीनियर्स हैं। हेलो इंजीनियर्स। हेलो सर। यहाँ पे व्यूअर्स को सबसे पहले नाम बताइएगा और कहाँ से आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए। सर मैं पटना से आया हूँ, मेरा नाम सनी सिंह है। यहाँ व्यूअर्स को बताइएगा कि सबसे पहले ऑटो लेवल में कौन कौन सा किसका नाम क्या है और किसका क्या यूज है। ठीक है सर, सबसे पहले जो आप लोग ये देख रहे हैं, जिसका 3 स्टैंड है, 1 स्टैंड 2 स्टैंड और 3 स्टैंड, इसको पूरा जो सेट होता है उसको ट्राइपॉड बोला जाता है। इसको हम लोग ट्राइपॉड बोलेंगे। ठीक है, इसको पहले ट्राइपॉड बोलते हैं, जिसको पहले सेट किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर ये पूरा ऑटो लेवल रखा हुआ है। इसको ये फर्स्ट पार्ट है, इसको बेस प्लेट बोला जाता है। और ये 3 स्क्रू जो है इसको लेबलिंग स्क्रू बोलते हैं। लेबलिंग स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं? लेबलिंग स्क्रू से मेनली जो होता है क्या कि हम इसको ऑटो लेबल को लेबल करने का काम करते हैं। बबल को हम एक बबल सेंटर में लाते हैं। हाँ, सेंटर में लाने का काम करते हैं। और कौन कौन सा पार्ट को क्या बोलते इसके हैं? इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल स्केल है। हॉरिजॉन्टल स्केल है। इसके बाद इधर एक नोब है और इधर एक नोब है, जिसको हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नोब बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नोब बोलते हैं। इसका क्या यूज है? इसका ये दो वो हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नोब है, जिसका हॉरिजॉन्टल इधर और इधर उसको मूव करने का। हॉरिजॉन्टली अगर हमको थोड़ा सा करना होगा तो इस हम स्क्रू के हेल्प से। यस, इसको अगर फाइन में अगर मूव करना है हमको तो इसका यूज करते हैं। इसके बाद ये ऊपर हो गया फोक्सिंग स्क्रू, और ये इसका ऑब्जेक्ट पीस हो गया, और ये इसका आई पीस हो गया, और ये ऊपर में दिया हुआ है ऑप्टिकल साइड दिया हुआ है। इसका काम ये होता है ना कि जैसे हमको सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को साइड करना है, तो उससे पहले इसको थोड़ा सा अपना क्या होता है ना, उसके सामने उसको साइड करने के लिए इसको ला लेते हैं उसके सामने। उसके बाद इधर में दिया हुआ है बबल ट्यूब है, उसके सामने में ही इधर दिया हुआ है पेंटा मिरर दिया हुआ है, जिसका यूज अगर किसी का हाइट अगर कोई भी लेबलिंग कर रहा है बबल ट्यूब का, अगर हाइट उसका कम है तो उसमें इसको ईजिली देख कर इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आपको ऑटो लेवल के बारे में इतना कोई जानकारी था नहीं सर? तो यहाँ सिविल गुरुजी आने का तो वो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हम ऑटो लेवल के बारे में अच्छी से जानकारियाँ ले पाए हैं। तो हमने दूसरे इंजीनियर से मिलते हैं और देखते हैं ऑटो लेवल सेट करने का। सबसे पहला नाम बताइएगा और कहाँ से आए हैं ट्रेनिंग करने? सर मेरा नाम नीलेश कुमार हुआ और मैं गोड्डा झारखंड से हूँ। और ये सर इसका सेट करने का सही प्रोसेस क्या है, बता सकते हैं किस तरह से इसको सेट करते हैं? ये सर हम लोग इसका बबल को मतलब सेंटर में लाने के लिए लेवलिंग स्क्रू के हेल्प से हम लोग इसको बबल ट्यूब को सेंटर में लाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जितने भी ऑटो लेवल को सब पोजीशन पे रखने के बाद हम लोग स्क्रू जो लेवलिंग स्क्रू है इसको 50% ओपन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेवलिंग स्क्रू को 50% ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ऑटो लेवल को कसेंगे, लेकिन ये जो पूरा देख लेंगे कि पूरा सेटअप मेरा सही जगह पे है या नहीं है। इसके बाद हम स्क्रू लेवलिंग के हेल्प से हम लोग ये बबल ट्यूब को सेंटर में लाएंगे। अभी देखा दीजिए बबल कहाँ पे है। बबल अभी मेरा सर देख लीजिए साइड पे है। अब इसको हम स्क्रू लेवलिंग स्क्रू के हेल्प से हम लोग सेंटर में लाते हैं। ये देख लीजिए, ये मेरा बबल ट्यूब सेंटर पे आ गया है। इसके थ्रू हमको पता चल जाता है कि मेरा ऑटो लेवल सेट हो चुका है। अभी जो बबल इतना जल्दी में आप सेंटर पे ला दी, इससे पहले कॉलेज में कितना देर में आपको सेंटर पे आता? बेसिकली सर कॉलेज में ये चीज़ हमको बस सुनाई बातें मिलती थी और प्रैक्टिकली हम लोग इसको परफॉर्म नहीं किए थे, लेकिन सिविल गुरुजी में आने के बाद ये चीज़ को हम लोग एक्चुअल में देख रहे हैं और कर भी पा रहे हैं, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और इस चीज़ को सीखते हुए हमको काफ़ी खुशी हो रही है। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहिएगा? इस वीडियो के माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि आप भी अगर ट्रेनिंग मेरे तरह करना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सिविल गुरुजी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि इंजीनियर्स को अपने स्किल डेवलपमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, तो आप लोग भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा व्यूअर्स के जो हमारे जो ऑटो लेवल सेट कैसे करते हैं, ऑटो लेवल का पार्ट्स क्या है, और हम देखेंगे जो हमारा स्टाफ रेटिंग जो हम लोग सीखे हैं कि स्टाफ रेटिंग इन लोग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो उधर से जो स्टाफ रखा हुआ वो लेकर आइएगा। अगर इसमें हम आप लोग से रीडिंग पूछें तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका रीडिंग क्या होगा? जी सर। तो उसको पूरा ओपन कर लीजिएगा, बस दो रीडिंग पूछेंगे, ज़्यादा कुछ नीचे वाला नहीं। अगर हम इसमें पूछें 1225 एमएम कहाँ पे आएगा तो बताइए। 1225 से पहले हम लोग इस पे जाएंगे कि 1-2 जैसे देख रहे हैं यहाँ, तो 1200 एमएम हो जाएगा। और इसका हम लोग को डिफरेंस पता है, ये इसमें 5-5 का है, तो इस पे हम लोग जाएंगे 1225 में। तो पहले ये मतलब 5-10-15-20 यहाँ आ गया और ये बीच सेंटर वाइट वाला पोर्शन यहीं पे आएगा।
यानी लेवलिंग स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 mm. 5 mm. एक रीडिंग और आप बताइएगा, 1175 mm. 1100 जाएंगे, 1100. और ऐसे मतलब कुछ फास्ट कैलकुलेशन, पहले तो हम लोग पीरियड में 5-5 का ही लेंगे, लेकिन यहाँ है तो 5 एक्यूरेट यहाँ होगा, बड़ा डॉट दे देता है 5 में, 50 पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ 50 आ गया सर, बोले कितना पॉइंट? 1175. 50. यहाँ से फिर जाएंगे 160, 170, और ये बीच में कहीं 75 आएगा सर. इससे पहले आपको स्टाफ रीडिंग इतना जल्दी लेने आता था? नहीं सर, इससे पहले स्टाफ रीडिंग इतना सीखने वाला वो कैसा फील हो, लग रहा है कि हाँ एक इंजीनियर हम बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे? हाँ सर, ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस आ गया कि आप कहीं जाएंगे, अगर काम नहीं भी एक्सपीरियंस लिए हुए, लेकिन यहाँ से सीखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस से भी अच्छा हम वहाँ पे परफॉर्म करा सकते हैं. वहाँ एक सेटिस्फेक्शन आ गया है कि हाँ कोई काम हो रहा है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ये तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं. तो जो भी व्यूअर्स घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको सिविल गुरु के बारे में क्या बोलना चाहिए, उनको सिविल गुरु ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर यही बोलेंगे कि जिनको थोड़ा भी डाउट है, जो पास आउट हो चुके या पहले से भी पास आउट है और उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, अगर वो कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करना चाहते हैं तो यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें एक बार. जैसे आपने देखा लोग सेट कैसे कर, उसका इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने जाना, फिर आपने स्टाफ रीडिंग देखा कि जो हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स थे, आपको स्टाफ रीडिंग कितने जल्द सेकंड में आपको स्टाफ रीडिंग करके बताएं. अगर आप भी इंजीनियर इस तरह सीखना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 9111001234 पे और पता करिए अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं. इंजीनियर्स मिलते हैं इसी जगह साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.